सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की ये ऑनलाइन क्लास क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी की है। इस क्लास के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम पादपों में खनिज पोषण है, उसमें हम आज पढ़ेंगे खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है कि पादपों में लवणों का अवशोषण होता हो, ये वीडियो इस टॉपिक से संबंधित 7वां है। यानी हम अभी तक कुल 6 वीडियो पादपों में खनिज पोषण से संबंधित पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका और उनका वर्गीकरण पढ़ा है। जिन तत्वों की आवश्यकता पादपों में अपने वृद्धि के लिए और जनन के लिए आवश्यक होती है, मुख्य रूप से दो चीज़ के लिए आवश्यक होती है, उन लवणों को या उन पोषक तत्वों को पादप किस प्रकार से मृदा द्वारा अवशोषित करता है, मृदा में उपस्थित होते हैं और उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादपों में जल अवशोषण का कार्य जड़ द्वारा होता है। जब हम मूल के कार्य लिखते हैं, जड़ के कार्य लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण। तात्पर्य क्या हुआ? जल भी अवशोषित होता है, उसके साथ साथ में खनिज लवण भी अवशोषित होते हैं। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि एवं रसारोहण। उसके अंतर्गत जब हमने मूल संरचना देखी थी, मूल की संरचना को देखा था, तो मूल रोम वह क्षेत्र है जिससे जल अवशोषित होता है और दीर्घीकरण के पश्चात का जो क्षेत्र पाया जाता है, जो दीर्घीकरण का ही भाग होता है, वो खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अर्थात मूल रोम के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है, तो लवण अवशोषित हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल की क्रियाविधि, जल अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक उसी प्रकार के लवण अवशोषण की भी एक मैकेनिज्म होती है, जिसके द्वारा पादपों में आवश्यक पोषक तत्व लवण प्रारूप में अवशोषित होते हैं। और ये लवण मृदा में विलयन प्रारूप में पाए जाते हैं। जैसे एक मूल है, ये मृदा कणों के मध्य स्थित है। मृदा कणों के मध्य अथवा कैपिलरी ट्यूब में जल भरा हुआ होता है। इस मृदा में जितने लवण होते हैं वो विलयशील अवस्था में इस मृदा विलयन के रूप में पाया जाता है। जल में घुल जाते हैं, मृदा विलयन कहलाता है, मृदा विलयन के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ से वो विलयन प्रारूप से इस मूल के द्वारा अवशोषित होते हैं और जल के साथ जाइलम के द्वारा पादप की विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उसका अवशोषण होता है। तो किन विधियों के द्वारा इन खनिज लवणों का अवशोषण होता होगा, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रदर्शित किए, अपने अपने मत दिए, जिसके अनुसार पादपों में लवणों का अवशोषण दो विधियों से संभव हो पाता है। एक विधि है जिसको हम निष्क्रिय लवण अवशोषण कहते हैं और दूसरी विधि है जिसे हम सक्रिय लवण अवशोषण के नाम से जानते हैं। एक्टिव होगी और पैसिव होगी। निष्क्रिय अवशोषण उस विधि को कहते हैं जिसके अंतर्गत लवण अवशोषण के दौरान किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती, अर्थात केवल और केवल भौतिक बल के द्वारा, उत्पन्न दाब के द्वारा या अवशोषण दाब के द्वारा लवणों का अवशोषण होता है। जबकि दूसरी विधि सक्रिय विधि है, इसके अंतर्गत हमेशा उपापचयी क्रिया के द्वारा नियमित ऊर्जा प्रयुक्त होगी। तो ऊर्जा के द्वारा हो रहा है तो सक्रिय, जिसमें ऊर्जा प्रयुक्त नहीं हो रही है वो निष्क्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार की दो क्रियाविधि हमने रसारोहण के संदर्भ में पढ़ी थी।
कि रस्ता रोन किस प्रकार से होता है, इसके लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म है। तो वहाँ पर भी हमने भौतिक बल सिद्धांत, जैविक बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत पढ़ा था। तो हम एक एक मेथड को, एक एक मैकेनिज्म को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है सहति प्रवाह परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना में होता क्या, इस ये परिकल्पना क्या कहती है, सहति प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस है। ये अधिक मात्रा में लवणों का अवशोषण एक साथ में, किसके साथ में, जब जल अवशोषित होता है उस दौरान जल अवशोषण के साथ साथ लवणों को भी अवशोषित कर लिया जाता है। लवण जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल या इसका दूसरा नाम क्या था, खिंचाव बल द्वारा जल के साथ साथ लवण का अवशोषण। हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब वाष्पो उत्सर्जन होता है, कौन से भाग से होता है, पादप के पर्णिल भाग से होता है मुख्य रूप से, तो उस समय जल को ऊपर की ओर खिंचाव के लिए एक आकर्षण बल लगता है, जिसको हम वाष्पो उत्सर्जन के दौरान विस्तार से और जल अवशोषण के या रसारोहण की क्रिया विधि के अंतर्गत भौतिक बल सिद्धांत पढ़ाता जो डिक्सन और जोली ने दिया था उसमें हम विस्तार से उसको पढ़ चुके हैं। तो जब वाष्पो उत्सर्जन होगा तो इस जाइलम में एक खिंचाव बल उत्पन्न, आकर्षण बल होगा, जिसके कारण वो स्तंभ से जल को अवशोषित करता है। फलस्वरूप स्तंभ के जाइलम के अंतर्गत खिंचाव बल उत्पन्न होता है, फलस्वरूप वो मूल से जल को ऊपर की ओर खींचता है। तो इस द्वारा उत्पन्न होने वाले खिंचाव बल के कारण जल के साथ साथ लवणों की कुछ मात्रा भी जड़ के द्वारा अवशोषित हो जाती है। इस सिद्धांत को नाम देते हैं सहति प्रवाह परिकल्पना। इस परिकल्पना में मुख्य भूमिका किसकी है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल की या खिंचाव बल की। क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक इस मत पर एक मत नहीं है, उनका ये ऑब्जेक्शन है कि जब वाष्पो उत्सर्जन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, आर्द्रता ज़्यादा है, अथवा रात्रि के अंदर वाष्पो उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, क्या उस स्थिति में लवण का अवशोषण होता है, अथवा हम ये मानते हैं कि बरसात के काल में जब वातावरण में आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है उस समय वाष्पो उत्सर्जन न्यूनतम स्थिति में होता, न्यूनतम स्तर पर होता है, उस समय लवणों का अवशोषण भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस समय भी लवणों का अवशोषण अपनी आवश्यकता अनुसार निरंतर निर्बाध रूप से जारी रहता है। इसका मतलब कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये परिकल्पना लवण अवशोषण के लिए सही नहीं, इसके लिए निष्क्रिय अवशोषण की दूसरी परिकल्पना है, इसको नाम देता है आयन विनिमय सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहता है, आयनों का विनिमय होता है। कैसे होगा विनिमय, जैसे हम इसी की बात करें जल के अपघटन के द्वारा दो आयन बनते हैं, एक होता है हाइड्रोजन धनायन और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल जो रिनायन के रूप में होता है। जल अपघटित होकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन धनायन प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये दोनों आयन धनायन और रिनायन इस मूल की बाह्य सतह पर अधिशोषित रहते हैं और लगातार दोलेमान होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। आयन विनिमय सिद्धांत क्या कहता है कि मृदा में भी विभिन्न प्रकार के लवणों के अपघटन के फलस्वरूप धनायन का निर्माण होता है और रिनायन बनता है। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, अब कैल्शियम क्लोराइड
आयनित होता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम धन आयन और Cl ऋण आयन। तो मृदा विलय में ये है, इस प्रकार के आयन उपस्थित है और मूल की बाह्य सतह पर जल के अपघटन से निर्मित आयन है। अब होगा क्या कि मृदा विलयन में अथवा मृदा कणों पर अधिशोषित ये आयन दोलेमान होते हैं, इल्टे टुलटे रहते हैं, इसलिए जैसे ही ये इन दोनों का संपर्क होगा तो समान आयन दूसरे आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। ये किसके अनुसार होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी के अनुसार होगी। तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन तो आ जाएगा मृदा विलयन के अंतर्गत और कैल्शियम आयन आ जाएगा मूल की सतह पर। ठीक इसी प्रकार का ऋण आयन भी प्रतिस्थापित हो जाता है। तो वो क्या रहा है, इसमें समान प्रकार के आयन होते हैं वो मृदा कण या मृदा विलयन से मूल की सतह पर उसी प्रकार के आयन से प्रतिस्थापित होता है। क्या हुआ, विनय में हुआ, एक दिया और दूसरा लिया, इसलिए इसको नाम देते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे होगा क्या, समान आयन आयनों के मध्य विनिमय द्वारा लवण अवशोषण, लवणों का या आयनों का अवशोषण हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ कभी भी विपरीत आयन का एक्सचेंज नहीं होता, कि ऋण आयन धन आयन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, नहीं होता। ये हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन के स्थान पर यहाँ पर मान लेते पोटेशियम आयन है, तो ये भी समान प्रकार के धनावेशित तत्वों से प्रतिस्थापित हो सकता है। इस मूल रूम की बाह्य सतह पर अब प्रतिस्थापित आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है, ये तो केवल बाह्य सतह तक आई, तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्थात बाह्य भाग से आंतरिक भाग की ओर किसी भी अन्य विधि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है, समस्या इस सिद्धांत के अनुसार ये होती है कि कई तत्व ऐसे हैं जो प्रतिस्थापित नहीं हो, अथवा या मृदा कणों पर वो प्रबल बल के द्वारा जुड़े हुए हो, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं हो। तो क्या इस विधि के द्वारा सभी तत्वों का अवशोषण होता है, इस मत को ये सिद्धांत परिभाषित नहीं करता। इसलिए इससे संबंधित तीसरा सिद्धांत आया जिसको हम डोनेन साम्यावस्था नाम देते हैं, डोनेन साम्यावस्था। डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत है वो डोनेन के द्वारा 1927 में दिया गया था, डोनेन के द्वारा 1927 में। सिद्धांत कहता है कि हमेशा बाह्य सतह पर उपस्थित धनायन और आंतरिक सतह पर उपस्थित धनायन की मात्रा बराबर होती है, और ठीक इसी प्रकार से बाह्य सतह पर उपस्थित ऋण आयन और आंतरिक सतह पर उपस्थित ऋण आयन की सांद्रता हमेशा बराबर होती है। विनिमय उस स्थिति में होता है जब इन दोनों क्षेत्रों में उपस्थित आयनों के मध्य किसी भी प्रकार की असंतुलन अवस्था उत्पन्न होती है, इसको क्या नाम देते हैं, डोनेन साम्यावस्था। साम्य का मतलब बराबर होने की स्थिति तक की बात करें। तो इस प्रकार से तीन परिकल्पना, सहेती प्रवाह परिकल्पना, आयन विनिमय सिद्धांत और डोनेन साम्यावस्था निष्क्रिय लवण अवशोषण की क्रिया को परिभाषित करते हैं। चूंकि हमेशा निष्क्रिय लवण अवशोषण प्रक्रिया नहीं होती, जब सामान्य भौतिक बल उपस्थित नहीं होते तो उस स्थिति में सक्रिय लवणों का अवशोषण होता है। तो सेकेंड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, सक्रिय लवण अवशोषण परिकल्पना। सेकेंड, सक्रिय ऐसा लवण अवशोषण जिसमें एटीपी का उपयोग होता हो, किसका उपयोग होगा, एटीपी का, उसको हम सक्रिय अवशोषण के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं वो आयन पंप सिद्धांत कहलाता है।
जो सबसे पहले 1933 में दिया गया था, आयल पंप सिद्धांत, या इसको साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस भी कहते हैं, परिकल्पना कह सकते हैं इसको हम, सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना है क्या, तो 1933 में एक परिकल्पना दी थी, परिकल्पना का प्रतिपादन किया था लुंडेगार्ड एवं बस्टोम के द्वारा 1933 में। इस परिकल्पना है क्या, इस परिकल्पना के अनुसार क्या है, पहले जो हमने पढ़ा था वो आयन विनय में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वो आयन पंप पढ़ रहे हैं, अथवा इसको साइटोक्रोम पंप कहते हैं। सिद्धांत ये कहता है कि झिल्ली के एक तरफ का चित्र जिसमें उपापचय क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है वो इसका आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है, कौन सा कहलाएगा, आंतरिक द्विक स्थान, और दूसरा बाह्य द्विक स्थान कहलाता है, बाह्य द्विक स्थान। ये तो होगी आंतरिक सतह, होगी बाह्य सतह। बाह्य सतह में क्योंकि ये मृदा के संपर्क में, मृदा विलयन के संपर्क में, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयन, चाहे वो धन आयन हो या फिर वो ऋण आयन हो, वो स्वतंत्र पूर्वक विसरण करते हैं, ये ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन आंतरिक सतह में क्योंकि ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले सभी आयन स्थिर होते हैं, तो ये स्थिर आयनों के संदर्भ में है। सिद्धांत ये कहता है कि ऋण आयनों का अवशोषण विशेष प्रकार के कारकों द्वारा होता है, और वो कारक साइटोक्रोम कहलाते हैं। तो साइटोक्रोम बाह्य द्विक स्थान से ऋण आयन को पकड़ करके आंतरिक सतह में छोड़ेगा, वो क्या कर रहा है, ला करके छोड़ रहा है, जबरदस्ती उसको भेज रहा है, चाहे वो आंतरिक भाग में ऋण आयन की सांद्रता अधिक क्यों नहीं हो। तो हम किसी दबाव क्षेत्र के विरुद्ध भेज रहे हैं तो इसको पंप कहते हैं, तो इसकी कारण, इसके कारण ही इसको नाम देते हैं साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। तो ऋण आयनों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम के द्वारा, क्योंकि एक ही प्रकार के आयनों को लाया जा रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं आयन पंप विधि। और ये क्रिया सीधी सी संबंधित है श्वसन से, किसे हैं, श्वसन से। जब श्वसन दर अधिक होती तो उपापचय क्रिया अधिक होगी, उस स्थिति में साइटोक्रोम के द्वारा ऋण आयन का अवशोषण अधिक होगा, तो ये श्वसन दर सीधी सी प्रभावित होती है ऋण आयनों के अवशोषण से। तो ऋण आयनों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम के द्वारा। एनर्जी कहाँ से मिलती है, श्वसन क्रिया के द्वारा, इसीलिए साइटोक्रोम को हटा करके श्वसन क्रिया को जोड़ दिया ऋण आयनों के अवशोषण से। जब श्वसन दर अधिक होती है तो ऋण आयनों का अवशोषण भी अधिक होता है, जब श्वसन दर कम होती है तो ऋण आयनों का अवशोषण भी कम होता है। इस प्रकार के श्वसन क्रिया को लवण श्वसन कहते हैं, क्या नाम देंगे, सॉल्ट रेस्पिरेशन अथवा लवण श्वसन। जब किसी पौधे की जड़ों को लवणीय विलयन में डुबोया जाता है तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, और श्वसन दर बढ़ते ही लवणों का अवशोषण होना प्रारंभ होता है, क्या कहलाएगा, लवण श्वसन। अब ये तो बात हुई ऋण आयन की, तो अब धन आयन किस प्रकार से अवशोषित होता है। साइटोक्रोम पंप सिद्धांत यह कहता है कि जब आंतरिक द्विक स्थान में ऋण आयन की अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति में ऋण आयनों को उदासीन करने के लिए या आयनों को संतुलित करने के लिए धन आयन निष्क्रिय विधि के द्वारा या प्रोटीन चैनल के द्वारा
बाह्य क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्र में परिवेशित होते हैं। तो धनायनों के अवशोषण की क्रिया को यह सिद्धांत परिभाषित तो नहीं कर रहा है, यह किसको परिभाषित कर रहा है? ऋण आयन के सिद्धांत को, या ऋण आयन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो पहली परिकल्पना थी जो 1933 में आई, क्योंकि इस परिकल्पना के द्वारा धन आयन का अवशोषण किस प्रकार से होता है इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया, इसलिए इस सिद्धांत को रिजेक्ट किया गया। धन आयनों के अवशोषण क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए 1937 में वॉन डेन हॉर्नर्ट के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और सिद्धांत को नाम दिया गया वाहक संकल्पना। सिद्धांत क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया से समझेंगे जैसे हमने साइटोक्रोम पंप सिद्धांत पढ़ा है। तो ये एक झिल्ली है जो आयनों के लिए अपारगम्य है, इसका एक सतह है वो आउटर स्पेस कहलाएगा या बाह्य द्विक स्थान कहलाएगा, आउटर स्पेस, और दूसरा कहलाएगा इनर स्पेस या आंतरिक द्विक स्थान। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बाह्य सतह पर कई प्रकार के आयन, चाहे वो धनायन हो या फिर वो ऋणायन हो, उपस्थित होते हैं। उनको आंतरिक सतह तक ले जाने का कार्य किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन अणुओं के द्वारा संपन्न होता है, उसको वाहक नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? वाहक। कैसे होता है ये? तो यहाँ पर बाह्य आयन के अनुसार, जैसे एक वाहक है वो एक्स है, ये एक्स एटीपी की सहायता से सक्रिय होता है, तो एटीपी टूट के बनाएगी एडीपी और एक पीआईपीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस दौरान जो एक फॉस्फेट के एटीपी से मुक्त होने के दौरान जो रिलीज हुई ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण ये वाहक जिसको हमने एक्स नाम दिया हुआ है वो सक्रिय होता है। कैसा हो गया? सक्रिय। अब वो किसके अनुसार होगा कि बाह्य या आउटर स्पेस से कौन से आयन को लाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन को लेना है तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और यदि नेगेटिव को लाना है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। विपरीत प्रकार के आयन बने, इन दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। तो ये वाहक बाह्य सतह पर आता है और बाह्य सतह पर आकर के क्या करता है? इस एक्स के साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ये जो एक एलिमेंट था, मान लेते हैं ये ए था, कैसा था? ए था। तो ए और एक्स आपस में मिले, तो मिलने से जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको नाम देते हैं वाहक आयन कॉम्प्लेक्स, या हम सम्मिश्रण कहेंगे, वाहक आयन सम्मिश्रण या कॉम्प्लेक्स बना, जो कि पूर्णतः अस्थायी है। तो बाह्य सतह पर आकर के इसने क्या किया? इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। ए पॉजिटिव आयन जो इस झिल्ली से पारगमित नहीं हो सकता था वो किसके साथ में जुड़ गया? इस एक्स के साथ में जुड़ गया। अब एक्स या वाहक क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स आएगा इसकी आंतरिक सतह पर, और आंतरिक सतह पर आकर के ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन और कैसा हो जाएगा? एक्स में बदल जाएगा ये, अर्थात इसका जो चार्ज था वो समाप्त हो जाएगा। उस चार्ज के कारण ही ये धनायन जिसके साथ में जुड़ा हुआ था तो वो मुक्त हो जाता है, और कहाँ मुक्त हो जाएगा? ए आंतरिक सतह पर मुक्त हो जाएगा, और ये एक्स वापस एटीपी की सहायता से क्रिया करके इस साइकिल को वापस घुमाता रहेगा। ये क्रिया ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे हमारे पास में एक वैद्युत चुंबक है। क्या है? वैद्युत चुंबक। जब हम इसके अंदर करंट प्रवाहित करते हैं तो ये एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है और लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है, लेकिन जैसे ही हमने करंट को वापस बाधित कर दिया इसके मैग्नेटिक करेक्टर है वो समाप्त हो जाते हैं, फलस्वरूप इससे चिपका हुआ पदार्थ
अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेन का देखा होगा आपने, क्रेन में वैद्युत करण होती है, वो एक स्थान पर जाती है, लोहे की वस्तु को पकड़ती है, इसका मतलब उसमें मैग्नेट आया, उसमें धारा आई, फिर वो दूसरे स्थान पर ले जाता है, धारा को बंद कर देते हैं, मैग्नेट का गुण समाप्त हो जाता है, लोहे की वस्तु को वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर वैद्युत करण जो काम करी वो किस रूप में करी, एक्स के रूप में, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण उसमें विशेष गुण विकसित हो रहा है, वो धारा किस रूप में है, एटीपी के रूप में। ये परिकल्पना धन आयन के लिए और ऋण आयन के लिए समान रूप से परिभाषित करती है। एक्स की प्रॉपर्टीज नेगेटिव फॉर्म में बनी है तब वो धनायन को पॉजिटिव आयन्स को लेगी, और जब वो पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव आयन को ग्रहण करके आंतरिक सतह तक छोड़ता रहेगा। इस वाक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये आयन थे वो प्रोटीन चैनल के द्वारा या चैनल के द्वारा अथवा इस झिल्ली के द्वारा पारगमित नहीं हो सकता। नाम देते हैं वाहक संकल्पना। ये संकल्पना या कंसेप्ट खनिज लवण अवशोषण के लिए सबसे अधिक मान्यता युक्त है। यानी हम जब भी खनिज लवणों के अवशोषण की बात करें तो हमारे मन में आता है कि इसका अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है, वाहक संकल्पना मेथड के द्वारा। इस मेथड के या इस मैकेनिज्म के सर्वमान्य होने के बावजूद भी एक और परिकल्पना आई थी जिसको नाम देते हैं वैद्युत रासायनिक प्रवणता परिकल्पना, जो कि पीटर मिचेल या पीटर माइकेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, पीटर माइकेल के द्वारा 1968 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इस झिल्ली के एक तरफ ऋणायन अधिक है और दूसरी तरफ धनायन अधिक है। एक सतह पर धनायन की अधिकता, दूसरी सतह पर ऋणायन की अधिकता है, जिसके फलस्वरूप वैद्युत प्रवणता उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, प्रवणता उत्पन्न हो रही है। इस प्रवणता के कारण ही ऋण आयन बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर ट्रांसफर होते हैं। तो एक छोटी सी परिकल्पना है, मान्यता प्राप्त वाहक संकल्पना है। इस प्रकार से पादपों में खनिज लवण के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से निष्क्रिय विधि और सक्रिय विधि है। सक्रिय विधि में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो वाक परिकल्पना है, और निष्क्रिय विधि के अंतर्गत सहती परिकल्पना है। इन दोनों मेथड्स के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न मैकेनिज्म के द्वारा पादपों में विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण आसानी से और आवश्यकता अनुसार होता रहता है। इसी के साथ हम आज का हमारा ये टॉपिक पादपों में खनिज पोषण के अवशोषण से संबंधित था वो हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्कार।